चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देश के 11 लाख बच्चे बाल विवाह के खतरे में, यूपी में इन बच्चों की संख्या 5 लाख से ज्यादा। एनसीपीसीआर ने 2023-24 का डेटा जारी किया। जी हां दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर ने गुरुवार को एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि उसने साल 2023-24 में ऐसे 11 लाख बच्चों की पहचान की है जो बाल विवाह के खतरे में थे। कमीशन के मुताबिक अकेले उत्तर प्रदेश में ऐसे 5 लाख से अधिक ऐसे बच्चे हैं जो बाल विवाह के खतरे में हैं। एनसीपीसीआर ने बताया कि उसने बाल विवाह रोकने वाले अधिकारियों, जिला प्राधिकारियों और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत कई कदम भी उठाए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पार्टी हित से ऊपर नेताओं ने खुद को रखा, हरियाणा की समीक्षा बैठक में राहुल गांधी की दो टूक। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद कांग्रेस में समीक्षा का दौर चल रहा है। हरियाणा की हार के बाद आज कांग्रेस नेतृत्व ने राज्य के नेताओं के संग पहली अहम बैठक की। यह बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। बैठक में संगठन महासचिव केशु वेणुगोपाल, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रभारी दीपक बाबरिया, हरियाणा पर्यवेक्षक अशोक गहलोत, अजय माखन, प्रताप सिंह बाजवा को भी बुलाया गया था। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव में नेताओं ने निजी हित को ऊपर रखा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। आसियान समिट के लिए कम्युनिस्ट देश लाओस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, बौद्ध भिक्षुओं ने स्वागत किया। भारतीय समुदाय के साथ लाओस की रामायण भी देखी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी इंडिया आसियान समिट में शामिल होने के लिए दो दिन के दौरे पर गुरुवार को कम्युनिस्ट देश लाओस पहुंचे। यहां बौद्ध भिक्षुओं ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लाओस की राजधानी वियंतियाने में लाओस की रामायण भी देखी। प्रधानमंत्री मोदी लाओस में 10वीं बार इंडिया आसियान समिट में शामिल होंगे। दोस्तों विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी आसियान देशों के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक से सिफान डोन ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया था। लाओस इस साल इंडिया आसियान समिट और ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम बनेंगे, विधायकों ने नेता चुना, कल दावा पेश करेंगे, 13 या 14 अक्टूबर को शपथ ग्रहण। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के लिए गुरुवार को विधायक दल की बैठक हुई। मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना गया। उमर जम्मू कश्मीर के नए सीएम होंगे। दोस्तों इंडिया गठबंधन का 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करेगा और सरकार गठन का दावा भी पेश करेगा। शपथ ग्रहण समारोह 13 या 14 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों राज्य सरकार में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। कांग्रेस की ओर से डूरू सीट से विधायक जी ए मीर या फिर प्रदेश अध्यक्ष और सेंट्रल सोलटैंक के विधायक तारिक हामिद कर्रा में से किसी एक को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और सीपीआईएम को 1 सीट मिली। बहुमत का आंकड़ा 46 है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पंचतत्व में विलीन हुए रतन टाटा, नम आंखों से पूरे देश ने दी अंतिम विदाई। जी हां दोस्तों, दिग्गज बिजनेसमैन और उद्योग जगत के टाइटन रतन टाटा की आवाज बुधवार रात हमेशा के लिए शांत हो चुकी है। उनके निधन ने पूरी दुनिया को गहरा दुख दिया। प्रधानमंत्री मोदी समेत देश दुनिया के लोगों ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। रतन टाटा का पार्थिव शरीर एनसीपीए ग्राउंड में रखा गया था, जहां 3:30 बजे तक जनता ने उनके दर्शन किए। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को वर्ली शमशान घाट ले जाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हम शांति प्रिय देश, सभी की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, आसियान शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लाओस की राजधानी में हैं। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम शांति प्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। हम अपने युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की सदी है। आज जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, सहयोग, संवाद और सहकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्टार हेल्थ के ग्राहकों को लगा बड़ा झटका, 3.1 करोड़ लोगों का डेटा हुआ लीक, हैकर्स ने बिक्री के लिए बनाई वेबसाइट। जी हां दोस्तों, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के यूजर्स को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों बड़ी संख्या में यूजर्स का डेटा कथित तौर पर लीक हुआ है। लगभग 2 हफ्ते पहले कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम और एक अनजान हैकर के खिलाफ डेटा ब्रीच को लेकर केस किया था। वहीं बुधवार को अचानक एक वेबसाइट सामने आई जो स्टार हेल्थ के 3.1 करोड़ यूजर्स का डेटा बेच रही है। इस वेबसाइट पर यूजर्स
यूजर्स का डेटा $150,000 में बिक रहा है। इस वेबसाइट को ZenZen नाम के हैकर ने क्रिएट किया है। वेबसाइट का दावा है कि उसके पास 3.1 करोड़ यूजर्स का डेटा मौजूद है। इस डेटा में यूजर्स का सेंसिटिव डेटा भी शामिल है। इसमें यूजर्स का पैन कार्ड डिटेल्स, घर का पता और दूसरी जानकारियां शामिल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। यूपी वालों को मिली 3 दिन की छुट्टी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिए निर्देश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस हफ्ते के आखिरी 3 दिन छुट्टियां रहेंगी। शनिवार और रविवार के अलावा अब शुक्रवार को भी सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न संगठनों की मांग और शुक्रवार को नवमी का त्यौहार पड़ने के दृष्टिगत आवश्यक सेवाओं को छोड़ते हुए 11 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के निर्देश दे दिए हैं। अब शुक्रवार नवरात्रि नवमी के दिन परिषदीय विद्यालय भी बंद रहेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सीएम आवास से निकाले गए सामान के बीच बैठी आतिशी, फाइल पर साइन किए। एलजी ऑफिस बोला, दिल्ली में बंगला नंबर 6 मुख्यमंत्री का घर नहीं। जी दोस्तों, दिल्ली सीएम आवास से बाहर निकाले जाने के एक दिन बाद आतिशी अपने निजी आवास में सीएम ऑफिस का काम करती नजर आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से इसका वीडियो भी शेयर किया गया। इसमें देखा जा सकता है कि आतिशी सीएम आवास से निकाले गए सामान के बीच बैठी है। इस दौरान उन्होंने एक फाइल पर साइन भी किए। सीएम आवास को लेकर विवाद तब बढ़ गया जब 9 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी ने सिविल लाइंस में फ्लैग स्टाफ रोड पर बंगला नंबर 6 को सील कर दिया था। इस बंगले में सीएम आतिशी 7 अक्टूबर को रहने आई थी। 3 दिन बाद उनसे बंगला खाली करा लिया गया। दिल्ली एलजी ऑफिस के मुताबिक यह बंगला मुख्यमंत्री का घर नहीं है और इसे किसी को भी आवंटित किया जा सकता है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने दिलजीत दोसांझ ने रोका कॉन्सर्ट, बोले उनसे मेहनत करना और अच्छा सोचना सीखना चाहिए। जी दोस्तों, पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों म्यूजिकल वर्ल्ड टूर पर हैं। बीती रात वे जर्मनी में कॉन्सर्ट कर रहे थे। इसी दौरान जब उन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा के निधन की खबर मिली तो उन्होंने बीच में ही अपनी परफॉर्मेंस रोक दी। दिलजीत ने स्टेज से ही टाटा को श्रद्धांजलि दी। दिलजीत ने कहा कि रतन टाटा जी को आप सभी जानते हैं, उनका आज देहांत हो गया। मुझे कभी रतन टाटा सर से मिलने का मौका नहीं मिला, पर मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। आज रतन टाटा का नाम लेना मैंने इसलिए जरूरी समझा क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपनी लाइफ जी, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा और सुना, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी के बारे में कभी बुरा बोला हो। उन्होंने हमेशा कड़ी मेहनत की, लोगों की मदद की और हमेशा अच्छा काम किया। लोगों को उनके जैसा ही होना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को दे दिया गया है। उन्हें उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इस सम्मान से नवाजा गया। उनका गद्य मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। उनकी किताबों में द वेजिटेरियन, द वाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स और ग्रीक लेसन्स शामिल हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हान कांग का जन्म दक्षिण कोरिया के शहर ग्वांगजू में साल 1970 में हुआ था। जब वह 9 साल की थी तब अपने परिवार के साथ सियोल चली गई थी। उनके पिता भी एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं। अपने लेखन के साथ साथ हान कांग ने खुद को कला और संगीत के लिए भी समर्पित कर दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जनवरी 2025 के बाद जनगणना शुरू हो सकेगी, सीमाएं सील करने की रोक हटी। 31 दिसंबर तक राज्य बॉर्डर बदल सकते हैं। जी हां दोस्तों, देशव्यापी जनगणना अब 2025 में ही शुरू हो पाएगी। जनगणना रजिस्ट्रार ने एक आदेश जारी कर राज्य को अपने मंडलों, जिलों, सब डिविजनों, तहसीलों और गाँवों की सीमा 31 दिसंबर 2024 तक बदलने की छूट दे दी है। इससे पहले यह सीमा 30 जून तक थी। दरअसल दोस्तों, जनगणना शुरू करने के लिए सरकारी सीमाएं सील करना पहली शर्त होती है। सूत्रों के अनुसार अब 1 जनवरी 2025 के बाद कभी भी जनगणना शुरू हो सकती है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा सीएम का 12 अक्टूबर का शपथ ग्रहण टाला गया, 2 विधायक सांसद दिल्ली डटे। किरण चौधरी बेटी समेत खट्टर से मिली डिप्टी सीएम मंत्री पद की लोबिंग। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नए सीएम के तौर पर नायब सिंह सैनी 12 अक्टूबर को शपथ लेने वाले थे। पंचकुला के परेड ग्राउंड में शपथ के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। भीड़ जुटाने के लिए सरकारी बसें तक मांग ली गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे की वजह से इसे टाल दिया गया। अब दोस्तों, शपथ ग्रहण 15 अक्टूबर तक कभी भी हो सकता है। शपथ से पहले चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग भी होगी। इसी बैठक में 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक शामिल होंगे। वहीं सैनी अभी दिल्ली में ही हैं, जहां वे हरियाणा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मीटिंग कर रहे हैं। इसमें मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो सकती है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर, एमपी में मंदिर पर बिजली गिरने से शिवलिंग हुआ खंडित। छत्तीसगढ़ में 1 की मौत, आज 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश के सभी राज्यों से मानसून लगभग बीत चुका है। हालांकि बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के थार जिले में बुधवार को करीब 1 घंटे तेज बारिश
बारिश हुई। सीहोर के एक गांव में नीलकंठ महादेव मंदिर के शिखर पर बिजली गिरी, जिससे शिवलिंग खंडित हो गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी कल बिजली गिरी। हादसे में एक लड़की की मौत हो गई, जबकि 6 महिलाएं झुलस गई, सभी खेत में काम कर रही थी। वहीं दोस्तों राजस्थान के आज 6 जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, नागौर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर में बारिश के साथ तेज हवाएं चली। बीकानेर में 12 मिमी बरसात हुई।